एसटीएफ और वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जीव जंतु के अवैध तस्कर को गिरफ्तार इस दौरान कर लिया गया है। एक अदद लेपर्ड की खाल के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। खटीमा क्षेत्र से इस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 लाख जो है अदद लेपर्ड की खाल की कीमत बताई जा रही है। पहाड़ों से उत्तर प्रदेश दिल्ली तक अवैध वन्य जीव की तस्करी इस तस्कर के द्वारा की जा चुकी है। तो बड़ी कामयाबी एसटीएफ और वन विभाग की टीम को उत्तराखंड में हाथ लगी है, जहां एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदद लेपर्ड की खाल के साथ इस तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कीमत जो है बेहद ज्यादा इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बताई जा रही है। 12 लाख रुपए जो है कीमत इस अदद लेपर्ड की खाल की बताई जा रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इस तस्कर के ऊपर आरोप है कि ये उत्तराखंड से कई जगहों में जो है लेपर्ड की खाल को बेचने की जो है काम लंबे वक्त से करता था, और ये तस्करी इसके द्वारा लंबे वक्त से की जा रही थी। संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, किस तरह से इस तस्कर को गिरफ्तार किया गया? देखिए सर, यहाँ लंबे समय से जो है अवैध जीव जंतु की खाल जो है वो था, जिसके बाद एसटीएफ और वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी और उनको उन्होंने खटीमा से जो है इसको गिरफ्तार किया है। जो जो अदद लेपर्ड है यह लगभग कीमत के अंदर के बाजार में लगभग 12 लाख रुपए जो है बताई जा रही है, और खाल की जो लंबाई लगभग करीब 60 फीट 54 की चौड़ी लंबाई और चौड़ाई बता दें। ये अभियुक्त जिस बात से पकड़ा गया है, ये कई बार जो है वन्य जीव के अंगों की तस्करी जहाँ जो है पहाड़ों में उत्तर प्रदेश के लिए राज्यों में जो है इस तरीके के कार्य जो है वो कर चुका। हालांकि अभी पूछताछ इससे की जा रही है कि और कौन से लोग जो है इसके साथ शामिल है, जो इस प्रकार के काम जो है करते हैं। वन विभाग की टीम भी इसके साथ लगातार इसे पूछताछ कर रही है। इसको जो है अब गिरफ्तार कर दिया है। वन्य जीव अधिनियम के जंतु संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है इसको कई जो धाराएं जो लगाई गई है उसके अंतर्गत जो है इसको गिरफ्तार कर दिया गया।